आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात शेयर करने जा रहा हूं सुशांत के बारे में आप सब लोगों से, जो डेफिनेटली आप लोगों को नहीं पता होगी। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो स्टार्स होते हैं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, उनके अवार्ड्स के लिए एक पर्टिकुलर रूम होता है, गैलरी होती है, म्यूजियम होता है, एक स्पेस बनाते हैं। बट सुशांत के घर में ऐसा कुछ नहीं था। जब मैं उसके घर गया तो मैंने देखा कि एक ग्रेव की शेप में एक वुडन बॉक्स, मतलब आपको बताऊं तो एक कब्र की शेप का एक वुडन बॉक्स था जो उसने, जिसमें अपने वो सारे अवार्ड्स डालता था। मतलब एक नकली कब्र थी और मैं हैरान था कि कब्र घर में। तो मैंने उससे पूछा, उसने एक्सप्लेन किया, दिवाकर वो इसलिए कि ताकि शोहरत कभी मेरे सर पर ना चढ़े, मैं अपनी सारी अचीवमेंट्स अवार्ड्स सब इस कब्र में डाल देता हूं। उसकी इस चीज को देख के मतलब मैं इतना फैसिनेट हुआ और मुझे समझ में आया कि वो किस तरीके का इंसान था। मेरे लिए बहुत सीखने वाली चीज थी कि अंत में इंसान के साथ सिर्फ और सिर्फ उसके अच्छे कर्म ही जाते हैं। ये अवार्ड्स, अचीवमेंट्स, शोहरत, दौलत सब टेम्पररी है और ये साक्षात है, हमारे सामने है कि आज दुनिया भर के लोग उसके साथ खड़े हुए हैं और उसके अच्छे कर्म ही तो है ये, वरना मरते तो बहुत लोग हैं दुनिया में। खैर, एक प्यारा किस्सा है। भाई साहब का मैसेज आया सुबह 6:30 बजे कि तेरे पास आधा घंटा है तो फटाफट घर पहुंच। और मैंने उसे तुरंत फोन किया कि मैंने कहा सब ठीक है, तेरे पास आधा घंटा, घर पहुंच। मैं घर पहुंचा उसके और बेल बजाई, आधे घंटे पहुंच गया था और निकल के आया, कह रहा आ गए नथी भैया, बैठो, क्या लोगे, चाय लोगे, पानी लोगे, कॉफी लोगे? ऐसा कि वो तो ठीक है, मगर इतने ही क्या हुआ, ऐसी क्या बात हुई कि तू आधा घंटा है, क्या कहीं विदेश निकल रहा है या कुछ बात है? कहता नहीं, लूडो लगा लो, लूडो खेलेंगे आज तुम्हारे साथ हम। मैंने कहा मतलब तू ठीक है भाई, मतलब सुबह सुबह कौन बुलाता किसी को लूडो खेलने के लिए? कहता नथी भैया क्या टेंशन लेते हो इतनी, अरे लूडो खेलेंगे, जिंदगी है, मजे लो, क्या टेंशन है इतनी? तो मैंने कहा ठीक है, मतलब लूडो खेलने के लिए यार अजीब आदमी हो। तो कहने लगा अरे लगाओ, लो नाम लिखो अपना फटाफट से और नीचे सुशांत लिखो और खेलेंगे, क्योंकि उसको लूडो खेलने का बहुत शौक था। जब मर्जी फोन कर ले, सेट पे भी लूडो खेलता था साथ में बहुत, घर पे भी लूडो खेलने के लिए बुला लिया। कह रही तो हमारी बात रही भी, कल मैं एक अंकुर त्रिपाठी है हमारे सेट पर थे सोन चिड़िया के, डायरेक्शन टीम में थे, तो उनसे बात हो रही थी तो वो काफी उदास थे, काफी अपसेट थे, क्योंकि उनके पास एक हुडी थी जिसपे नासा लिखा हुआ था। तो सुशांत ने अंकुर से बोला कि अंकुर ये तुमने कहां से ली? तो अंकुर बोले कि यहीं से, बैंड्रा से लिया है मैंने सुशी। तो कहते यार मुझे चाहिए, मुझे दोगे? तो यार मुझे गिफ्ट कर दो ये। तो कह रहे हाँ मैं तुम्हें दे दूंगा। अच्छा मेरे आ जाएगी ना ये? वो आदमी इतना नॉर्मल था, मतलब अमूमन किसी के साथ खा लेना, किसी के कपड़े, एक स्टार आदमी कैसे आप सोच सकते कि वो किसी से भी बोल देगा कि यार मुझे ये हुडी चाहिए? ले लेता था, इट्स वेरी नॉर्मल मैन, कोई ईगो नहीं, कोई स्टारडम नहीं उस इंसान के अंदर। तो मुझे लगता है कि शायद उस इंसान, उस आदमी के अंदर ऐसी वाइब्स थी, उस आदमी की ऐसी सोल थी, इतनी स्ट्रांग थी, इतनी बड़ी थी। मैं समझता हूं कि उसके फैन जो नहीं भी थे, आज वो भी उसके फैन है। मतलब उसका जाना ऐसा लग रहा है कि परिवार से कोई भाई चला गया हो, कोई दोस्त चला गया हो। पता नहीं सब लोग ऐसा फील कर रहे हैं कि शायद एक मैजिक सा करके चला गया वो सबके ऊपर। आई रियली मिस यू सुशांत, आई रियली मिस यू।